टीवी का सबसे बड़ा रियलिटी शो बिग बॉस के 14वें सीजन की शुरुआत हो चुकी है और अब बिग बॉस 14 अपने चरम पर पहुंच गया है। इस बार कंटेस्टेंट्स के साथ पहली बार मेकर्स ने सीनियर्स को भी 2 हफ्तों के लिए रखा था, जहां सिद्धार्थ शुक्ला, हिना खान और गौहर खान ने तूफानी सीनियर्स बनकर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया और अब ये सीनियर्स शो से बाहर आ चुके हैं। लेकिन शो से बाहर आते ही एक दूसरे पर तंज का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है। हिना, गौहर और सिद्धार्थ तीनों को शो में खूब पसंद किया गया। तीनों की बॉन्डिंग भी काफी अच्छी रही, जिससे उन्होंने दर्शकों का दिल जीता। हालांकि बिग बॉस में कुछ ही दिन के अंदर उनके बीच कई बार झगड़े और बहसबाजी भी हुई, लेकिन अंत में जो तीनों के बीच घमासान हुआ, उसे लगता है सिद्धार्थ शुक्ला अभी तक भूल नहीं पाए हैं। इसलिए सिद्धार्थ ने इशारों इशारों में ही सही, लेकिन हिना और गौहर पर अपने एक पोस्ट से अब तंज कसा है। दरअसल बिग बॉस से बाहर निकलने के बाद सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के जरिए एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है, अपने साथ ईमानदार होना बेहद जरूरी है, लॉजिकल होना जरूरी है, लॉयल होना जरूरी है, वरना तुम कैसे आईने में खुद का सामना करोगे। इस पोस्ट के साथ उन्होंने #BeTrueToYourself, #WeAreWithSiddharthShukla, #TeamSiddharthShukla इन हैशटैग्स का भी इस्तेमाल किया है। हालांकि अपने इस ट्वीट में सिद्धार्थ ने किसी का नाम नहीं लिखा है, लेकिन इसे देखकर यही कहा जा रहा है कि ये ट्वीट उन्होंने गौहर और हिना खान को तंज कसने के लिहाज से ही किया है। वहीं उनके इस ट्वीट को उनके फैंस काफी पसंद कर रहे हैं और उनकी तारीफ भी इस ट्वीट पर की जा रही है। तीन अक्टूबर से बिग बॉस का 14 सीजन शुरू हो गया है और शोर शराबे और धूम धड़ाके के साथ प्रतिभागियों की एंट्री बिग बॉस 14 में हुई है, जिसके बाद से बिग बॉस के घर में एक बार फिर से रौनक आ गई है और इस बार बिग बॉस का सीजन पहले दिन से ही काफी दिलचस्प लग रहा है, क्योंकि पहली बार शो के शुरुआत में ही पहले सीजन के सितारे घर वालों की क्लास लगाते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, बिग बॉस हाउस में सिद्धार्थ शुक्ला, हिना खान और गौहर खान मिलकर घर वालों की जमकर क्लास ले रहे हैं। वहीं अब बिग बॉस 14 का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कंटेस्टेंट सारा गुरपाल सिद्धार्थ शुक्ला को छेड़ती नजर आ रही हैं। इस वीडियो में सारा सिद्धार्थ को शहनाज गिल के साथ रिश्ते के लिहाज से जीजा कह रही हैं, जिसके बाद सिद्धार्थ शर्मा जाते हैं। इस वीडियो में सारा गुरपाल सिद्धार्थ को कह रही हैं, पंजाब के ऑडियंस की तरफ से बोल रही हूँ, रिश्ते में तो आप जीजा लगते हो हमारे, जिसके बाद सिद्धार्थ कहते हैं, जीजा कैसे? तो सारा उन्हें समझाते हुए कहती हैं, हमें पता है तू जीजा है हमारा, किसने नहीं देखा बेबी तेरा, मैं दिल से बोल रही हूँ। और सारा की बात सुनकर सिद्धार्थ शुक्ला कहते हैं, मैं दिल से दिल तक बोलता हूँ। सारा गुरपाल और सिद्धार्थ शुक्ला के बीच हुई ये मीठी नोकझोंक फैंस को खूब पसंद आ रही है और लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। वेल, अब बिग बॉस 14 में प्रतिभागियों की नोकझोंक और खटपट से दर्शकों का खूब मनोरंजन होने वाला है।